मैनपुरी सदर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के 2 बार विधायक रहे राजकुमार उर्फ राजू यादव को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्व मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने हराकर जीत दर्ज की। जयवीर सिंह ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। मैनपुरी की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा, जो लाखों वोटों से जीतने वाले थे अब हजारों में सिमट कर रह गए। पूरा खानदान मैनपुरी में पड़ा रहा, वहीं अब जनपद में ना गुंडागर्दी होगी ना गुंडागर्दी करने देंगे, गुंडों का सफाया होगा। उधर भोगांव सीट पर बीजेपी के टिकट पर कैबिनेट मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री दोबारा जीत गए हैं। पार्टी के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने 200 की हासिल की, जिसमें एक आप क्या कहेंगे? 200% रिजल्ट मैनपुरी जनपद ने दिया है। ये प्रदेश में 5 साल की सेवा और देश में 7 साल की सेवा, जो आदरणीय योगी जी मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश को लोक कल्याण की योजनाएं दी, विकास के कार्य कराए और जनहित में सर्वांगीण विकास के लिए और लोक हित में जो कार्य किए, कानून का राय दिया, उसी का परिणाम है कि आम आदमी ने, गरीब छोटा बिछड़ा पिछड़ा, इन सब ने एक मत होकर के उत्तर प्रदेश में प्रय योगी जी के नेतृत्व में मैनपुरी की जनता को विशेष धन्यवाद, कार्यकर्ताओं को विशेष धन्यवाद और निश्चित रूप से हम आशाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। जन जन के कल्याण के लिए, विकास के लिए जो बन पड़ेगा करेंगे। मैनपुरी का कल्याण होगा, विकास होगा। मुख्य मुद्दे रहने वाले हैं आपके लिए, वो सारे बताएं, आपको भी बताएं, पूरे प्रदेश को बताएं क्या मुख्य मुद्दे हैं जनपद मैनपुर। यहाँ गुंडई और अराजकता का राज खत्म होगा। जो अपने को मैनपुरी एकाधिकार मानते हैं उनका कब्जा अपने आप उठ के चला जाएगा। लाखों को जीतने वाले आज हजारों में आ गए हैं और निश्चित रूप से कानून का राज स्थापित होगा, विकास की गंगा बहेगी। मंत्री जी, आखिरी सवाल, जो कार्यकर्ता आपके साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर के लिए समस्या उत्पन्न करेंगे, कैसे इनको? कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं करेगा। ये कहाँ से असाइनमेंट कर लिया? ये आपका आकलन है क्या जी? कोई नहीं करेगा। मैनपुरी हॉटस्पॉट जिला था प्रदेश का, जहाँ एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री और आप पूर्व मंत्री हैं, वर्तमान कैबिनेट मंत्री प्रदेश सरकार के यहाँ लड़ रहे थे, जिस तरीके का यहाँ माहौल था, उस स्थिति में आपने, आपको जीत मिली है, यहाँ प्रोफेसर एस सिंह बघेल के आने से क्या आपको फायदा हुआ है? देखिए, सीधा सीधा है, किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रदेश की जनता ने आदरणीय योगी जी मोदी की डबल इंजन की सरकार की नीतियों रीतियों पर मोहर लगाने का काम किया है। यहाँ वो लोग जो कहते नामांकन के बाद दोबारा आएंगे नहीं, प्रमाण पत्र लेने आएंगे, घुटने टेक के लाखों की जीत का दावा करने वाले हजारों में सिमट गए। पूरा खानदान नहीं पड़ा रहा तब कुछ वोटों से जीतने का काम हो सका है, आपको नहीं क्या दिखाई पड़ा? कहना प्रोफेसर एसपी सिंह के बघेल के लड़ने से, हमारी पार्टी के नेता हैं, हमारी और आपके क्या होता है? हमारी पार्टी के नेता हैं, वो तो एक दूसरे को सबको फर्क पड़ता है, वो तो शरीर समाज के सबके हैं।